दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी है मारुति सुजुकी और रियर कैमरा लगाते वक्त आपको कुछ इस तरह की पिक्चर, इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, यानी आपको कैमरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है और उसकी जगह ये इस टाइप का सेंसर मार्क आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें यहाँ पे कैमरा सेटअप लगाया हुआ है। ये OEM टाइप कैमरा होता है, तो जैसे ही हम इसे लगाते हैं तो ये बता रहा है कि इसमें कैमरा ऑप्शन ब्लॉक है। तो हम नया सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करेंगे अभी यूनिट में और उसके बाद फिर चेक करेंगे ये कैमरा काम करता है। तो दोस्तों, मैंने एक फाइल जो डाउनलोड की थी वो मैंने पेन ड्राइव में ले ली है। ध्यान रखें, पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट कर लें। पेन ड्राइव 4 GB, 8 GB या 16 GB, ये तीन ही वर्ज़न लें। इससे बड़ा वर्ज़न लेंगे तो दिक्कत होगी। और पेन ड्राइव को सबसे पहले फॉर्मेट कर लीजिए FAT32 फॉर्मेट में। उसके बाद इसमें जो फाइल आपको लेनी है वो ले लीजिए और सिस्टम को पहले ऑन कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं सिस्टम ऑन हो गया है। तो अभी हम पेन ड्राइव को इसमें लगा देंगे, क्योंकि अभी मैं गाड़ी में नहीं हूँ इसलिए मुझे टेबल टॉप जुगाड़ करना पड़ा है। ठीक है, अभी हमने पेन ड्राइव को इसमें लगा दिया है। अब हम एक्टिवेट करेंगे फैक्ट्री मोड। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम कट म्यूट का, जो पहले हम इसे दबाएंगे, उसके बाद हम ये वाला गियर दबाएंगे सेटिंग वाला, तो हमारा ये डीलर मोड खुल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अभी प्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी सारे क्लिकेबल हैं, ये हाइड जैसा दिख रहा है। तो हम अभी वेट करेंगे करीब करीब 30 से 40 सेकंड, उस क्योंकि ये अभी रीड कर रहा है और रीड करने के बाद में ये भी क्लिकेबल हो जाएगा। तो जैसे ही ये क्लिकेबल होगा हम इसे, ये देखिए हो गया है। तो अब ये भी क्लिकेबल हो गया, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि हमारा करंट वर्जन है 1.8.10.1 और अपडेट अवेलेबल है, तो हम इसे अपडेट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो अपडेट होती है, अपडेट के दौरान सिस्टम को हमें कभी भी बंद नहीं करना होता और ना ही पेन ड्राइव को डिसकनेक्ट करना होता है। तो केवल हम वेट करेंगे अभी, और ये सिस्टम अभी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है और अपडेट कर रहा है। तो हम वेट करेंगे और वेट करते करते देखते हैं कितनी देर ये इस अपडेट में लगाता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, बता रहा है रिस्टार्टिंग द सिस्टम, रीबूट कर रहा है अभी ये। लोगो आना चाहिए, हाँ लोगो आया है, यानी कि सिस्टम अपडेट हो चुका है। फिर भी हम एक बार वेट कर लेंगे पूरा कंप्लीट मेन मेनू आने तक, उसके बाद ही हम पेन ड्राइव को डिसकनेक्ट करेंगे जी। तो ये हो गया है, हम पेन ड्राइव निकाल लेते हैं अभी और अब चेक कर लेते हैं एक बार इसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या आ गया है। नया सिस्टम इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर वर्जन MD0820, बिल्कुल अपडेट हो गया है ये। तो अब देखते हैं कैमरा लगा के, कैमरा कनेक्ट करके देख लेते हैं। मैं एक बार हाँ, कैमरा पीछे रखा हुआ है इसके, तो मैं जस्ट इसमें आप देख सकते हैं
के अंदर कैमरा चल गया है। ओके, ये देखिए। तो ये सिस्टम में कैमरा नहीं चल रहा था पहले, अभी इसमें कैमरा स्टार्ट हो गया है। तो ये कैमरा किट आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, जो सिंपल है, बहुत ही प्लग एंड प्ले टाइप है। आपको किसी तरह का कोई वायर कट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट का नाम है quidcarsolution.in और हम मारुति की सभी गाड़ियों के लिए OEM कैमरा किट बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको, तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।